हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? चल रहा है बारिश का मौसम, तो इस मौसम में पकोड़े सब बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके लिए, जिसे बनाने के बाद पकोड़े भी फेल हो जाएंगे, समोसे भी आप नहीं खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी रेसिपी है, बिना बेसन, बिना सूजी, बिना मैदे के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने ले लिया है पैन, उसमें ले लिया है 2 टेबलस्पून घी, और जब घी हल्का सा गर्म हो गया है तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा। जैसे ही जीरा तड़क गया तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 बारीक प्याज कट करके। प्याज को हमें यहाँ पे रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन यानी ब्राउन नहीं करना है, भूनना नहीं है जैसे आप सब्जी के लिए भूनते हैं, बस हल्का सा रोस्ट करना है, कच्चापन इसका दूर करना है। फ्रेंड्स, तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोज़ देख पाएँ। तो अब हमारा प्याज जो है लगभग रोस्ट हो चुका है, और अब इसमें डाल दूंगी कुछ सब्जियां, जैसे कि शिमला मिर्च, और 1 टमाटर कट कर लिया है जिसका पल्प निकाल दिया है यानी बीज निकाल दिए हैं उसके। फिर थोड़े से कॉर्न्स ले रही हूं मैं, स्वीट कॉर्न्स हैं ये, कच्चे हैं। और अब थोड़ी सी लूँगी मटर, ये फ्रोजन मटर है, तो हमने सब्जियाँ ऐड कर ली हैं। अब इन्हें थोड़ी देर रोस्ट करेंगे क्योंकि जो हमारे कॉर्न्स हैं वो कच्चे हैं, और थोड़ा सा इनका पानी जो है वो सूख जाए, इस तरीके से हमें यहाँ रोस्ट करना है। तो चलिए डाल लेते हैं इनमें मसाले। हल्दी डालेंगे 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से डाल लें, फिर डालेंगे गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, और चाट मसाला भी डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, फिर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है, अपने हिसाब से फ्लेम को सेट करें, जिस जैसी फ्लेम पर आप अपनी सब्जियाँ संभाल पाएँ उतना ही फ्लेम रखें। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे, और हल्का सा आप देख सकते हैं इसका पानी, हमें इसमें पानी छूट रहा है क्योंकि टमाटर वगैरह हैं इसमें, तो इनका पानी जो है ये हल्का सा सूख जाए बस, तब तक ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। तो ये लगभग रोस्ट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पनीर, ये लगभग 150 ग्राम पनीर है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। बिल्कुल भी मत घबराइए, अगर पनीर नहीं है तो आप यहाँ पे आलू ऐड कर सकते हैं, बाइंडिंग के लिए आलू भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पनीर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए इस सबको मिक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसमें हरी मिर्च डालूंगी मैं, तो यहाँ मिर्च वगैरह अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। और अब हरा धनिया डाल के मिक्स कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी तैयार होने वाली है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी। सब्जियाँ बहुत सारी डाली हैं, पनीर ऐड किया है हमने यहाँ पे, तो हमारी हेल्दी सी स्टफिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फीलिंग तैयार है हमारी। तो इसको ठंडा होने देंगे, तब तक चलते हैं बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी चटनी। तो चटनी बिल्कुल नई तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे डालेंगे 7-8 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। टमाटर बहुत महंगे हैं तो टमाटर छोड़ देते हैं, डाल देते हैं इसमें हम लगभग 4 टेबलस्पून दही। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से मूंगफली के दाने, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, आलू भुजिया इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ा सा डालेंगे जीरा। तो अब डालना है नमक टेस्ट के हिसाब से, और इसको पीस लेंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार होती है, बहुत ही बढ़िया तैयार होती है। आप इसका कलर देखिए, टेक्स्चर देखिए, और बहुत ही बढ़िया स्पाइसी हमारी चटनी तैयार है। रखते हैं इसे साइड में और लेते हैं यहाँ पर आलू। मैंने ये ले लिए हैं 5 आलू, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आलू लेने हैं आपको, गरम गरम ग्रेट नहीं करने हैं, फिर इन्हें ग्रेट कर लेना है। अब आप कहेंगे ग्रेट करने की क्या ज़रूरत है, ग्रेट करने से कोई भी गांठ इसमें नहीं रहेगी, अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। तो सारे आलू मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार होगी। और अब हम ले लेंगे 3-4 ब्रेड, जिसको मिक्सी में तोड़ के डालेंगे और इसको फटाफट से पीस लेंगे। ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया, अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच छोटी, और 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर भी 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और अब जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किया है वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है या आप ब्रेड क्रम्स नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप 4 से 5 चम्मच बेसन डाल सकते हैं, सूजी डाल सकते हैं, आटा भी डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन ब्रेड क्रम्स से तैयार करेंगे तो बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आपको आने वाला है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल ताकि ये हाथों में चिपके ना, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बारिश के मौसम में
हम पकोड़े तो बहुत खाते हैं, अक्सर बारिश आते ही होता है कि चलो पकोड़े बनाते हैं, लेकिन एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है मैदा लगभग 4 टेबल स्पून, और उसमें डाल देना है पानी और अच्छे से उसे मिक्स कर लेना है। एक पतला बैटर तैयार करना है, बहुत गाढ़ा तैयार नहीं करना है, इस तरीके से हमें बैटर तैयार कर लेना है। मैदा नहीं है तो आप आटा बेसक ले सकते हैं। और अब हम लेंगे यहाँ पे, जिस तरीके से लोई काटते हैं आटे की, तो मीडियम लोई कट कर ली है हमने, देख सकते हैं जो हमने डो तैयार किया है उसकी। और इसे इस तरीके से बना लेंगे कटोरी सी, जैसे हम आलू का पराठा या कचौड़ी बनाते हैं तब बनाते हैं। और फिर इसमें क्या करना है, जो फिलिंग हमने तैयार की है टेस्टी सी हेल्दी सी, वो 1 चम्मच रखनी है, और इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए बंद करना है, इसका मुंह बंद कर देना है। जैसे आप पराठे या कचौड़ी बनाते हैं तो आप लोई तैयार करते हैं, उस तरीके से तैयार करना है हाथ से, इस तरीके से। अगर हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगा सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको दूसरी भी लोई कट करनी है, और इसी तरीके से सारे के सारे आपको इस कट करके, और छोटे बड़े जैसे आप बनाना चाहते हैं, जिस शेप में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बड़ी शेप करनी है आपको तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डो ले सकते हैं, मैंने मीडियम शेप तैयार की है, ना बड़ी ना छोटी। तो इस तरीके से सारी की सारी आप ये कटलेट तैयार कर लेंगे, और फिर इन्हें हल्का सा प्रेस करेंगे, बस बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है। तो देख सकते हैं सारे कटलेट मैंने तैयार कर लिए हैं, थोड़े से और भी हैं जो तैयार किए हैं अभी। और अब क्या करना है, ये जो मैदा है इसे मिक्स कर लेना है, इसमें हल्का सा नमक डाल दें, और फिर एक कटलेट आपको उठाना है, इसमें इस तरीके से डिप करना है इस तरह से मैदे में, और फिर मैदे में से निकाल के फिर डायरेक्ट आपको ब्रेड क्रम्स में डाल देना है, और अच्छे से ब्रेड क्रम्स से इसे आपको कोट करना है। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे अच्छे से, चाहें तो हाथ से इस तरीके से आप इसे प्रेस कर सकते हैं, इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो है इस पर चिपक जाता है, और बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही कुरकुरा आपका ये नाश्ता तैयार होता है। सबके सब जितने भी हमारे पास ये कटलेट हैं, इन सबको हमें इसी तरीके से पहले मैदे में डिप करना है, और मैदे में से डिप करके ये देख सकते हैं मैंने कांटे वाली चम्मच यानी कि फोग ली है, ताकि बिल्कुल भी मैदा इस पर रहे ना, बस कटलेट हल्का सा गीला हो जाए ताकि ब्रेड क्रम्स इस पर अच्छे से कोट हो जाए। इस तरीके से प्रेस करते हुए सारे के सारे कटलेट हम रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे कटलेट हमने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, जितने सुंदर दिख रहे हैं उतने ही टेस्टी बनके तैयार होने वाले हैं। अब करना है फ्राई, जिसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना है आपको। नंबर 1, ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। नंबर 2, फिर फ्लेम को आपको इस टाइम बिल्कुल लो पे सेट कर देना है जब इन्हें आप डाल रहे हैं। फिर इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है आपको, डाल के छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे। अपने आप ही ये धीरे धीरे से जब ऊपर आएंगे तब आपको इन्हें स्टिर करना है यानी चलाना है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो बहुत जल्दी फूटेंगे ये, बहुत जल्दी। तो देख सकते हैं लगभग 2 मिनट मैंने इन्हें छेड़ा नहीं, उसके बाद बहुत ही बढ़िया फूले फूले से तैयार हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये कच्चे हैं जो इन्हें आपको बहुत देर तक फ्राई करना है। 2-3 मिनट के अंदर आपके कटलेट तैयार हो जाते हैं फ्राई होके। तो देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब है ये अच्छे से पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल सकते हैं। अगर और ज़्यादा फ्राई करने की कोशिश की तो इसके अंदर पनीर है जो कि मेल्ट होके ये फट सकते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी राय, बताएं कि रेसिपी कैसी लगी है। तो अब इनको हम एक एक करके निकाल लेंगे। एकदम फूले फूले क्रिस्पी कुरकुरे कटलेट आपके तैयार हैं, वेज पनीर कटलेट। तो चलिए सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट। आप देख सकते हैं मार्केट जैसे, मार्केट से भी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। साथ में चटपटी ग्रीन चटनी जो बिल्कुल परफेक्ट है कटलेट के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं, और अंदर से इसके बहुत ही बढ़िया फिलिंग है, बहुत स्पाइसी बहुत ही टेस्टी। तो ज़रूर बनाएं ये, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।